कभी अचानक चोट लग जाने पर या खेलते हुए मसल इंजरी हो जाने पर हम उपयोग करते हैं क्रीप बैंडेज का। क्रीप बैंडेज विशेष रूप से मोच्स, मांसपेशियों की खिंचाई आदि में सहायक होते हैं। ये बैंडेजेस अक्सर हर फर्स्ट एड बॉक्स में देखने को मिलते हैं, जिसका उपयोग चिकित्सा प्रक्रिया जैसे दर्द और सूजन से राहत के लिए इस्तेमाल होता है। आजकल मार्केट में कंप्रेशन, ऑर्थोपेडिक, लाइट सपोर्ट आदि जैसी वैरायटी और साइजेस में क्रीप बैंडेजेस अवेलेबल हैं और इनका इस्तेमाल हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिसेस आदि हर जगह किया जाता है। इन सभी फैक्टर्स से ये कहा जा सकता है कि क्रीप बैंडेज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक बेहतरीन बिजनेस ऑप्शन है और आप इस बिजनेस की शुरुआत करके एक सफल व्यवसायी बन सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं क्रीप बैंडेज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की शुरुआत? आज की इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री में हम आपको बताएंगे क्रीप बैंडेज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से जुड़ी सारी जानकारी। सबसे पहले जानते हैं कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें किन रॉ मटेरियल्स की जरूरत होगी। क्रीप बैंडेज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें कॉटन यार्न, क्रीप बैंडेज क्लिप्स, डाइंग कलर्स एंड केमिकल्स और पैकेजिंग मटेरियल आदि की आवश्यकता होगी। अब जानते हैं क्रीप बैंडेज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इस्तेमाल की जाने वाली मशीन्स और इक्विपमेंट के बारे में। इस बिजनेस के लिए हमें मशीन्स और इक्विपमेंट में यार्न वाइंडर मशीन, यार्न ट्विस्टिंग मशीन, वार्पिंग मशीन, वीविंग लूम, डाइंग टैंक, इलेक्ट्रिक ड्रायर, इलेक्ट्रिक हीटर्स और सीजर्स की आवश्यकता होगी। अब जानते हैं क्रीप बैंडेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले मार्केट से रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है, फिर वाइंडर मशीन की मदद से दो धागों को एक में मिलाकर रोल तैयार किया जाता है। इसके बाद रोल्स के धागों को ट्विस्ट करने के लिए यार्न ट्विस्टिंग मशीन में लगाया जाता है, जिसके बाद ये धागे वार्पिंग मशीन यानी की ताना बाना मशीन पर लगाए जाते हैं। यार्न्स को वार्पिंग मशीन की सहायता से वार्प बीम पर डिजायर्ड थ्रेड्स के कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज कर लिया जाता है। इसके बाद वीविंग प्रोसेस होता है, जिसमें धागे एक डिजायर्ड विड्थ के फैब्रिक का रूप ले लेते हैं और बैंडेजेस तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद सीजर की मदद से बैंडेज को एक रिक्वायर्ड लेंथ में कट कर लिया जाता है। इसके बाद कट किए हुए बैंडेज को मैनुअली फोल्ड कर लिया जाता है और डाइंग सेक्शन में भेजा जाता है। डाइंग प्रोसेस के बाद बैंडेजेस को ड्रायर मशीन में डालकर ड्राई किया जाता है। कंप्लीट मॉइस्चर रिमूवल के लिए बैंडेजेस को हीटर्स की सहायता से सुखाया जाता है। तैयार किए गए क्रीप बैंडेजेस को पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है। पैकेजिंग के बाद इन बैंडेजेस को मार्केट में डिस्पैच कर दिया जाता है। अब जानते हैं क्रीप बैंडेज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स के बारे में। इस बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू करने के लिए आपको 35 से 45 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट, 10 से 12 मैन पावर, 2200 से 2500 स्क्वायर फीट एरिया और 20 से 25 किलोवाट पावर कनेक्शन की आवश्यकता होगी। इस बिजनेस से आप लगभग 20 से 25% प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ये थी क्रीप बैंडेज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से रिलेटेड सारी जानकारी। इस बिजनेस को शुरू करके आप एक बेहतरीन लाभ कमा सकते हैं और साथ ही अपने व्यवसाय से लोगों को रोजगार दे सकते हैं। अगर आपके पास निवेश के लिए धन की कमी है तो आप सरकार द्वारा चलाई जा रही PMEGP योजना का लाभ भी उठा सकते हैं। 20 लाख तक सर्विस सेक्टर और 50 लाख तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लागत के प्रोजेक्ट इस योजना के अंतर्गत आते हैं। सतह ही आपके वर्ग के अनुसार सब्सिडी भी प्रदान करने का प्रावधान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही शानदार बिजनेस आइडियाज के लिए उद्यमी ऐप को अभी डाउनलोड करें और विजिट करें उद्यमी इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट www.udyami.org.in पर। बिजनेस से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7526000444 पर भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।